भारत में अपहरण और बलात्कार का दोषी बाबा नित्यानंद इस वक्त देश से फरार है। हालांकि उसने कथित तौर पर अपना एक नया देश बना लिया है, जिसका नाम उसने कैलासा रखा है। अब इस नए देश को लेकर एक नई बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नित्यानंद लोगों को इस देश की नागरिकता दे रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर प्रचार भी जोर शोर से किया जा रहा है। ट्विटर पर पोस्ट शेयर करके लोगों से नागरिकता लेने की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ये अपील। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अगर आप हिंदू धर्म का पालन करते हैं और हिंदू विचारधारा वाले ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो फ्री में कैलासा की ई नागरिकता ले सकते हैं। इसमें कहा गया है कि इससे आप एक यूनिवर्सल हिंदू फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। कैलासा नाम के अकाउंट से नागरिकता को लेकर कई ट्वीट्स किए गए हैं। इस प्रोसेस को करना होगा फॉलो। ट्वीट में जो gov.koogle.skSIGN-UP अब ट्वीट में इस नाम से लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा द फर्स्ट हिंदू नेशन नाम का एक पेज खुलकर सामने आता है। जब इस पेज पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नाम, ईमेल एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, देश, प्रोफेशन और फोन नंबर जैसे कॉलम दिए गए हैं, जिन्हें फिल करना होगा। इन सभी जानकारियों को पेज पर मांगा जा रहा है। कैलासा के पेज पर दावा किया जा रहा है कि इस तरह से वहां की नागरिकता ली जा सकती है। हालांकि इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद वहां की नागरिकता मिल जाएगी। सिटीजनशिप लेने के बाद कैलासा कैसे पहुंचा जा सकता है, इसको लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई। कहां है कैलासा? मीडिया में छपी कई रिपोर्ट्स के मुताबिक नित्यानंद ने इक्वाडोर के तट के पास एक आइलैंड खरीदा है। इसी जगह वो कैलासा स्थापित करने का दावा करता है। सोशल मीडिया के अलावा किसी अन्य जगह पर इस कथित देश का कोई अता पता नहीं है। अब आपको बताते हैं कि नित्यानंद है कौन। नित्यानंद का जन्म 1 जनवरी 1978 को तमिलनाडु में हुआ था। बताते हैं कि 12 साल की उम्र से ही उसने रामकृष्ण मठ में शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। 1 जनवरी 2003 को नित्यानंद ने अपना पहला आश्रम बेंगलुरु के पास विदादी में खोला। 2010 में नित्यानंद पर धोखाधड़ी और अश्लीलता का मामला दर्ज किया गया। साल 2012 में नित्यानंद पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। इसके बाद नवंबर 2019 में फिर से उस पर दो लड़कियों के अपहरण और उन्हें बंदी बनाने का मामला सामने आया। और अब नित्यानंद फरार है और अपना देश बनाकर रहने की बात कर रहा है।